सिर्फ 15 मिनट में बनाए बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट सा मसूर पाक सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा मसूर पाक की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक काफी यूनिक और टेस्टी रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा रेसिपी है मसूर पाक का। आप इसे नाम सुनते ही फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये जो रेसिपी है आप सिर्फ 15 मिनट में अपने घर पे बना सकते हैं काफी इजी प्रोसेस। सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आज आप लोगों को ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि यार अब मैं इसे फटाफट बनाती हूँ और फटाफट आप किचन में जाकर के इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। आ रहा है फ्रेंड्स त्योहारों का सीजन, तो इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें। काफी अच्छा रेसिपी है फ्रेंड्स, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा ये मैसूर पाक बनेगा और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आइए मैं आप लोग को बनाकर दिखाती हूँ। मसूर पाक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स वो है मेज़रमेंट। बिना मेज़रमेंट के अगर आप बनाएंगे तो आपका ये मिठाई ख़राब हो सकता है, इसलिए सबसे पहले आप मेज़रमेंट कर ले। जितना आपको बेसन लेना है बिल्कुल उसी मात्रा में आपको घी भी यहाँ लेना है। तो मैं 1 कप बेसन ली हूँ, साथ ही 1 कप मैं यहाँ घी ली हूँ। एक बाउल में इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप बेसन, साथ ही हम एक लेंगे यहाँ फ्राई पैन, इसमें हम ऐड कर देंगे सारा घी और इसे हमें गर्म कर लेना है। थोड़ा घी इसलिए ले रही हूँ गर्म फ्राई पैन में गर्म करने के लिए, ताकि ये जो हमारा घी है अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इसे धुआंधार गर्म नहीं करना है, तब तक इसे गर्म करना है जब तक ये हमारा जो घी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये हलवाई ट्रिक है फ्रेंड्स, इसी ट्रिक से बनाएं आपका मैसूर पाक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जैसे ही ये मेल्ट हो गया हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे 2 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने को रखें, गर्मा गर्म यूज नहीं करना है हमें। अब इस बेसन में हम ऐड कर देंगे आधा घी, पूरा हमें नहीं करना, आधा हम बाद में यूज करेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आधा घी इसमें ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, बिल्कुल ये जो हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। ये पेस्ट देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा पेस्ट हमें तैयार करना है। मिक्स करने में आपको 2-3 मिनट का प्रोसेस लगेगा और अच्छे से मिक्स करें। आप मिक्सर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरीके से हमें मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी ये रखना है हमें, इस तरीके का कंसिस्टेंसी आपका होना चाहिए। अगर आपको घी की क्वांटिटी थोड़ी कम लगे तो आप 1 या 2 टेबल स्पून और घी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये गर्म किया हुआ ही घी इसमें ऐड करें फ्रेंड्स और इसे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी आपका रहना चाहिए। बिल्कुल इसका हमें प्यूरी नहीं बनाना है, इस तरीके से हमें थोड़ा थिक ही रखना है। अब हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे, ध्यान रख के इसको बनाने के लिए आप बड़े बर्तन का ही यूज करें, तभी ये आपका अच्छे से बनेगा। सेम उसी कप से मैं 1 कप यहाँ शक्कर ली हूँ, सारा 1-1 कप ली हूँ आप देख सकते हैं, और 1/2 कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स करते रहेंगे। इसे हमें बनाना है एक सॉफ्ट सा 1 तार का चाशनी, हमें इसे हार्ड नहीं बनाना है, सॉफ्ट 1 तार का चाशनी बनाना है। कैसे मैं दिखाती हूँ। इलायची पाउडर ऐड कर दे या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप केवड़ा एसेंस रोज वाटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसे हमें 1 तार का चाशनी बनाना है। जैसे देख सकते हैं ये बन रहा है ना 1 तार का चाशनी, बिल्कुल हार्ड नहीं बनाना है हमें, सॉफ्ट सा बनाना है। देख सकते हैं ये बन रहा है 1 तार का हमारा चाशनी, यहाँ बनकर रेडी है। अब हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे, यहाँ आप कर ले गैस का फ्लेम लो, और जो आपका बेसन का पेस्ट था ना ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारे को, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप रखे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो। सारा ऐड करने के बाद आप गैस का फ्लेम कर ले फ्रेंड्स मीडियम, हाई ना करें वरना आपका ये जल जाएगा, और मीडियम में आप इसे मिक्स करते रहें। इसे बिल्कुल हमें अच्छे से मिक्स करते हुए फ्रेंड्स उबालना है, अच्छे से मतलब पकाना है। इसको पकाने में हमें 10 से 12 मिनट का समय लगेगा और हमें हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, यहाँ हमें लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। अगर आप हाथ रोक देंगे तो आपका यह जो है मैसूर पाक बिल्कुल जल जाएगा और सॉफ्ट नहीं बनेगा, हार्ड भी हो जाएगा फ्रेंड्स।
बीच बीच में हम इसमें ऐड करते रहेंगे हमारा जो हाफ घी बचा था, थोड़ा थोड़ा हम इसे ऐड करते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। घी ऐड करने से जो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो मैसूर पाक है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा। ये हलवाई लोग भी ना इसी ट्रिक से बनाते हैं फ्रेंड्स। वो लोग क्या करते हैं, घी को गर्म कर करके ऐड करते हैं, पर आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही घी को गर्म कर रखा है। इस तरीके से इसे मिक्स करते रहेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल पक रहा है। आपको कलर चेंज भी लग रहा होगा इसमें, आप देख करके कलर चेंज पहचान सकते हैं कि ये पक रहा है। इसमें हम ऐड कर देंगे बाकी हमारा जो बचा हुआ घी है, वो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम अपना सारा घी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए साइड में अगर आपके लग रहे हैं तो साइड से भी इसे निकाल लें और इस तरीके से मिक्स करते रहें। आपका 20 से 25 मिनट में फ्रेंड्स ये मिठाई बनकर रेडी हो जाएगा और आप इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो और देख सकते हैं काफी इजी है और सिर्फ आपको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बेसन, शक्कर और घी, और आपका जो मैसूर पाक है वो बनकर रेडी है। कोई हार्ड एंड टफ नहीं है फ्रेंड्स, आप इसे फटाफट बना सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा टफ है कि आप इसको रेगुलर चलाते रहना है, बट फिर भी आप इसे इजली बना सकते हैं। आपको बस चलाने का थोड़ा प्रोसेस करना है। इस तरीके से देख सकते हैं ये जो हमारा बेसन है वो कढ़ाई छोड़ रहा है, मतलब ये हो चुका है। अब हम एक इस तरह का प्लेट या पेन कुछ भी ले लेंगे, उसमें अच्छे से आप घी अप्लाई कर लें। मैं आप चाहे तो ऑयल या बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसमें घी अप्लाई करके रखी थी। गर्मा गर्म हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। आपको सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम में ही करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। अब हम सारा इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करके एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं मैं सेट कर ली हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसे अच्छे से सेट कर दें और हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए 10 to 12 मिनट। ज्यादा देर आपको रखने की जरूरत नहीं, और हाँ फ्रिज में मत रखिएगा फ्रेंड्स, इसे बाहर ही अच्छे से ढक के 10 to 12 मिनट के लिए रख दें। आफ्टर 12 मिनट देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो हमारा मैसूर पाक है बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में, ट्रे में, किसी भी चीज में आप निकाल के कट कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना इजिली कट हो रहा है, ये कितना सॉफ्ट बना है। अभी मैं आप लोग को ये भी चेक कराऊंगी। इस तरीके से हम सारे मैसूर पाक को फटाफट से कट कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या सुविधा के अकॉर्डिंग शेप चेंज करके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इस तरह से चरखुट में कट कर रही हूँ, जैसा आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना इजी वे में ये कट हो जा रहा है और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार बनाइए, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये जो मैसूर पाक की रेसिपी है कैसी लगी। और देख सकते हैं कितना इजी बन भी गया। देखिए दिख रहा होगा ये बिल्कुल सॉफ्ट सा। अरे मैं तोड़ के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, देखते ही आपके मुँह में तो पानी आ चुका होगा। कितना सॉफ्ट है अंदर से भी, कितना मुलायम है ये। मैं आप लोगों को अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो जरूर से जरूर ट्राई करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आप लोग के लाइक से फ्रेंड्स, कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे और वीडियो लेकर के आती हूँ। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैं यहाँ सारा कट कर ली हूँ और ये बिल्कुल हमारा सॉफ्ट सा मसूर पाक बनकर, देख सकते हैं कितना मैसी है ये, कितने इजीली मैस हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग रेसिपी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मैं आप लोगों को बनाना बता दी ना मसूर पाक, वो भी फटाफट से 15 से 20 मिनट का प्रोसेस लगा और हमारा मसूर पाक बनकर रेडी है और एक न्यू और टेस्टी स्वीट्स भी रेडी है। तो आ रहा है त्योहारों का जब सीजन, तो क्यों ना हम घर पे बनाए मसूर पाक, तो जरूर बनाइए फ्रेंड्स। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ना करना ना भूलें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।